रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए नाला सुपारा के युवाओं ने शहर भर में निकाला कैंडल मार्च। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए नाला सुपारा के युवाओं ने शहर भर में कैंडल मार्च कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ शहर के सामाजिक संगठनों से जुड़े युवा भी शामिल रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ प्रदर्शन किया। युवाओं ने भारत सरकार बदलो और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन करने वाले युवाओं का कहना है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। भारत सरकार को सीधा हम दर्शाना चाहते हैं कि कल का जो पुलवामा में आक्रमण हुआ, 2500 सेना जा रही थी उस पर आक्रमण हुआ, 42 सेना शहीद हुए और ये हमले की जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने ली, तो कहीं ना कहीं वो हमारे भारत के आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसियों पे हमला मतलब और उसके बाद जिम्मेदारी लेना, तो कहीं ना कहीं वो एकदम खुली चुनौती दे रहे हैं। अब भारत सरकार को जागने का समय है और कुछ सिर्फ वादे करने से और सिर्फ हम जिम्मेदारी लेते हम कुछ अच्छा करेंगे जवाब देंगे इससे काम नहीं चलने वाला है। अब ईंट का वक्त आ गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा सरकार को और यही उम्मीद है सरकार से और यही चीज़ की मांग भी करते हैं हम। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।